हिसार समाचार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं मजदूर किराएदार विकास पार्टी की चांदनी चौक से उम्मीदवार श्रेष्ठा कपूर के पास। हमने उनसे बातचीत की, आइए आपको सुनवाते हैं उनसे बातचीत। मेरा नाम कनिका है, मैम के टच में बहुत टाइम से हूँ। मैं चांदनी चौक से, मैम हमारी जो उम्मीदवार हैं उनके साथ हम भी पूरा सहयोग दे रहे हैं कि मैम के साथ अपने कुछ लोगों को जोड़ के अब मैम को जिताएं, क्योंकि मैम ने बहुत कुछ ऐसे संस्था खोल रखी हैं कि जिससे गरीब बच्चों के लिए वो बहुत कुछ हेल्प करती है। हमारे लिए भी मैम ने काफ़ी टाइम से बहुत कुछ करा है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि गरीबों के लिए जो मैम ने ये जो कदम उठाया है मजदूर किराएदार पार्टी के लिए, जो अब मैम ने एक सपना है कि जो गरीब हैं उनके पास जो मकान नहीं है, तो उसके लिए हम मैम को जिताएं, इसके लिए हम पूरी सपोर्ट के लिए हम मैम के साथ खड़े। श्रेष्ठा कपूर जी, आप जो चुनाव लड़ रही हैं, आप किन किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रही हैं? हम सबसे पहले जो मजदूर हैं, किराएदार हैं, किराएदारों के लिए लड़ रहे हैं, मकान के लिए लड़ रहे हैं, जिसमें हमारा मेन मुद्दा है किराएदारों को मकान दिलवाना। अच्छा, इसके अलावा और क्या क्या मुद्दे हैं आपके? उसके बाद हम चाहते हैं, जैसे आप कल ही लेके आए हम सीताराम बाजार में 4-4 लाख के जो बिजली के बिल दे रखे हैं, और उसमें उन्होंने उनके यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पंखा ही चल रहा है और 4-4 लाख के बिल, ठीक है, और वो उनके घर में खाने के लिए भी पैसा नहीं है और वो ये बिल कैसे क्लियर करेंगे। तो ये किसकी लापरवाही से ये इस तरह के बिल जो है, अनाप शनाप बिल आ रहे हैं, किसके कारण आ रहे हैं? ये तो हम कुछ कह नहीं सकते किसके कारण आ रहे हैं, तो अगर हम पावर में आते तब देखकर ही बता सकते कि किसकी वजह से ये गलत बिल आ रहे हैं। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र पासवान जी ने जो आपको उम्मीदवार बनाया है, तो उनकी जो उम्मीद है उन पर आप किस तरह से खरा उतरेंगी? अब वो तो हम जनता की सेवा कर कर जैसा हम बोल रहे हैं उससे भी अच्छा कर कर दिखाएंगे, जब भी हम उनके नजरों में खरे उतरेंगे। मजदूर किराएदार विकास पार्टी को आप इलाके में जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तो लोग क्या कहते हैं किराएदारों की पार्टी है जिस तरह से, इस बारे में क्या कमेंट्स हैं लोगों के? वो ये कहते हैं कि सरकार हर 5 साल बाद जब ही इलेक्शन होता जब आते, उसके बाद कोई भी नहीं आता, पूछने भी नहीं आता, देखने भी नहीं आता हमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कोई कहता हम ये करा देंगे, कोई कहता हम वो करा देंगे, करवाता कोई कुछ नहीं, दिखता भी नहीं कराना, तो बहुत दूर की बात। अच्छा, तो आप लोग ने जो वादे किए हैं वो आप जनता के बीच जाकर किस तरह से उन्हें पूरा करेंगी? हम छोटे बच्चों को पढ़ाएंगे, जो लेडीज हैं उनको सिलाई वगैरह सिखा के उनको हाँ। पंडित जी, आप इनके साथ में जो काम कर रहे हैं तो आप अपने बारे में पहले तो अपना परिचय बताएं। पंडित सुरेंद्र शर्मा हूँ और चावड़ी बाजार से हूँ, चावड़ी बाजार चांदनी चौक से, और मैं श्रेष्ठा कपूर जी का चुनाव एजेंट भी हूँ, लोकसभा चुनाव एजेंट श्रेष्ठा जी का हूँ। और ये बड़ी खुशी की बात है कि महेंद्र पासवान ने एक ऐसा पौधा बना दिया जो गरीबों का, किराएदारों का, मजदूरों का ख्याल रखे, और एक ऐसी चीज बनाई जो किसी 60-70 साल हो गए आज़ादी को मिले हुए आज तक किसी पार्टी ने नहीं सोच ली किराएदारों की। और पहला ये कि अगर श्रेष्ठा कपूर पावर में आती है, महेंद्र पासवान पावर में आते हैं, गवर्नमेंट बनती है, तो जितना किराया किराएदार देता है उसका किराया भत्ता आधा हम अपने फंड से देंगे, आधा किराएदार, अगर सपोज करो 10,000 रुपये महीना है तो 5,000 रुपये महीना हम उनको किराएदारी भत्ता देंगे, 5 है तो 2,500 रुपये महीना किराएदारी भत्ता देंगे, यदि हम पावर में आए, महेंद्र पासवान और श्रेष्ठा कपूर पावर में आई तो किराएदारों का विकास, मजदूरों का विकास। तो आप क्या समझते हैं पंडित जी, किराएदारों की जो प्रॉब्लम्स हैं दिल्ली के अंदर, उन्हें किसी अब तक जो बड़े राजनीतिक दल हैं उन्होंने इस पर ध्यान दिया है या नहीं दिया है? ये मुद्दा पहली बार महेंद्र पासवान जी ने ही उठाया है, इससे पहले अब जो कर रहे हैं वो, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, अब नकल चल रही है। ये पहली बार दिल्ली में बड़ी खुशी हुई कि महेंद्र पासवान ने किराएदारों की सुन ली, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उनका प्लॉट नहीं, मकान नहीं, किराए पर रहते हैं, अब वो राशन के लिए पैसा रखें या किराया या किराए देने के लिए, इसलिए हमारी पार्टी आधा किराया भत्ता देगी यदि पावर में आई तो, ये हमारा बर्निंग पॉइंट है। तो जहाँ
लोकसभा चुनाव में बड़े बड़े राजनीतिक दलों के प्रत्याशी हैं और बड़े धनाढ्य लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो उन सब के बीच आपकी पार्टी ऐसे प्रत्याशियों से किस तरह से मुकाबला करेगी? देखिए, हम डोर टू डोर जा रहे हैं, हम पद यात्रा कर रहे हैं जिसमें कोई खर्चा ना हो। पद यात्रा स्वयं से वॉलेंटरी आ रही है लेडीज। आज भी 150 लेडीज सीताराम बाजार में हमारी महिला मोर्चे की अध्यक्ष अलका दत्त की वजह से वहाँ जुड़ी। जो अलका दत्त जी हैं, उन्होंने 150 महिलाएं जो एज ए वर्कर सेल्फ वॉलेंटरी स्वयं सेवक हमारे भर्ती हो रहे हैं, स्वयं सेविकाएं भर्ती हो रही हैं, जो आज फ्री ऑफ कॉस्ट वो काम कर रही हैं। बिल्कुल हम किसी को एक पैसा नहीं दे रहे, पद यात्रा में कोई पैसा नहीं लगता। हाँ, जरूर ये जरूर है कि हम उनको टी चाय मुहैया कराते हैं, वो भी किसी कॉर्नर पर, अगर यदि या विशेष रूप से गर्मी हो रही है, पानी तो फ्री की चीज़ है, पानी का इंतजाम हम कर लेते हैं, तो अपना हमारे ही वर्कर करते हैं, हम बाहर से पानी भी नहीं खरीदते, हम वहाँ पर अपने वर्करों से ही पानी ठंडा करवा लेते हैं। तो इस प्रकार से पानी और चाय पर ही हमारी यात्राएं चल रही हैं। हम उन लोगों को देखते हैं कि वो लोग किस तरह से जो है जो जिस तरह से शरबत उनको दिए जा रहे हैं वो तो हम कर नहीं सकते, और जिस तरह से कारें रोड शो हो रहे हैं उसमें करोड़ों रुपया बहाया जा रहा है, वो तो हमारी पार्टी नहीं है, वो तो कर नहीं सकती, हम तो अभी नए। बेताब समाचार से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।